एक पिता और बेटी की कहानी पिता ने बेटी के सर पर हाथ रखकर बोला मैं तेरे लिए ऐसा पति खोज कर लाऊंगा जो तुझे बहुत प्यार करे तेरी भावनाओं का सम्मान करे तेरे दुख सुख को समझ सके तेरी आंखों में आंसू न आने दे तेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सके बेटी ने पूछा क्यों पापा पिता बोला बेटा हर बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी को राजकुमार जैसा पति मिले जो उसे बहुत प्यार दे और उसे हमेशा सुखी रखे बेटी बोली तो पापा नाना जी ने भी तो आपको मम्मी का हाथ यही सोच कर दिया होगा ना कि आप भी राजकुमार हो फिर आप मम्मी को हमेशा क्यों रुलाते हो कहीं बाहर भी नहीं ले जाते और प्यार भी नहीं करते और हमेशा चिल्लाते रहते हो तो क्या आप अच्छे वाले राजकुमार नहीं निकले यह सुन पिता को एहसास हुआ कि मुझे भी किसी ने राजकुमार समझकर अपने कलेजे का टुकड़ा दिया और मैं खुद तो राजकुमार बना रहा पर अपनी पत्नी को कभी राजकुमारी नहीं समझा आज खुद बाप बनने के बाद एहसास हुआ कि अपने दिल के टुकड़े को सही हाथ में नहीं सौंपा तो उसके दिल के टुकड़े हो जाएंगे जो कोई भी बाप नहीं सहेगा इसलिए जैसा आप अपनी बेटी के लिए सोचते हैं वैसा ही अपनी पत्नी के लिए सोचिए आखिर वो भी किसी की बेटी है किसी का आँख का तारा है उसे दुख होगा तो उसके पिता को भी दुख होगा कृपया कर अपनी घर की औरतों को भी इज्जत और प्यार दीजिए वो भी किसी की बेटी है अगर इतना पढ़ने के बाद भी शेयर ना करो तो मेरा पोस्ट करना बेकार है